हेलो गाइस, व्हाट्स अप, बफ बैनिक इज़ हियर। सो आज मैं आपको सिखाऊंगा कि बॉक्स फाइट में आपके स्किल्स कैसे इम्प्रूव करें। और गाइस, इस पे मेरी मदद करेगा KZ520। जैसे अगर आप देख सकते हो, मैं भी इसके क्लैन में हूँ। ये हमारा क्लैन का लीडर है। इसका रियल नेम है अहमद। तो इसका भी एक यूट्यूब चैनल है। तो इसका जो चैनल है उसका डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, उसको जाके सब्सक्राइब करना ना भूलिए। आज मैं आपको ऐसे 5 टिप्स दूंगा एंड ट्रिक्स दूंगा जिसमें आप बॉक्स फाइट से काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव कर सकते हो और आपके जो भी ओपोनेंट्स है उसको आप मतलब ख़त्म कर सकते हो। सो गाइस, चलिए शुरू करते हैं। गाइस, आप देख सकते हो, आप हमारे आइलैंड में आ गए, हमारे मतलब मेरे लीडर के आइलैंड में आ गए हैं। सो गाइस, अभी आपको मैं फर्स्ट स्टेप में बताता हूँ क्या करना है। सो फर्स्ट स्टेप ये रहेगी कि गाइस, मैं आपको आज बताऊंगा कि किसी के भी बॉक्स के अंदर फेस कैसे होते हैं। फेस होना मतलब उसके अंदर घुसना, ठीक है। सो यहाँ पे अभी दो चीज़ें हैं। यहाँ पे मैंने पहले रैम्प डाला, ठीक है। अभी देखना मैं कैसे घुसूंगा, ठीक है। एक बार पिकेक्स मारना, ये एक्चुअली जनरली सब लोग को मालूम है। अहमद, रिपेयर मत कर। एक पिकेक्स मारा तो अभी ये, अभी आपको क्या करना है, आपको जंप करना है और उसके बाद एक पिकेक्स मारना है। रुक जाइए, वो तेरी माँ की आँख। ये देखिए, यहाँ पे मैं फेज आ गया और यहाँ से आप इसको शॉट ले सकते हो। ये तो हुआ फर्स्ट स्टेप। अभी सेकंड टिप, अहमद अंदर जा। अभी आपको क्या करना है, यहाँ पे वॉल बनाया, उसके बाद आपको यहाँ पे डोर एडिट करना है, ठीक है। उसके बाद उसको ओपन करिए। उसके बाद अगर आप प्ले स्टेशन में हो तो आपका जो एनालॉग है ना स्प्रिंट का, उसको आगे रखना है, ठीक है। आगे रखने के बाद आपको पिकैक्स करना चालू करना है। करते जाइए, करते जाइए, करते जाइए, आप ऑटोमेटिकली इधर आ जाओगे। जबकि ये होल्ड किया हुआ है, लेकिन तो भी आप उसके बाद आके शॉट ले सकते हैं। सो ये हुआ था फेस का आइडिया। सो हेलो गाइस, आपने देख लिया था कि मैंने आपको पहले फेस की कैटेगरी थी वो जो मैं आपको दो ट्रिक बताई। अब ये हुआ पीक शॉट की कैटेगरी हुई। तो अभी इसमें क्या करना है, जैसे आप देख सकते हो मेरा दोस्त अहमद ऊपर खड़ा है। तो अभी आपको क्या करना है कि यहाँ पे आपको एक पिरामिड लगाना है, ठीक है। फिर आपको ना एक रिस्की सा एडिट करना है। फटाक से फटाफट आप ये एडिट कीजिए, फिर इसको रिपेयर करिए, ठीक है। ये रिस्की सा थोड़ा सा एडिट हुआ लेकिन ठीक है। उसके बाद आप इसको एडिट करो। उसके बाद ना आपको इसके टॉप में खड़े होना है, कोन के थोड़ा सा एंगल लेना ताकि आप इस पर टकले पर टकरा ना जाओ। अभी आपको क्या करना है, उसको देख लेना है कि वो कहाँ पर है, उसको जंप करिए और शॉट मारिए। इस पर थोड़े से आपको टाइम तो लगेगा कि एंगल लेने के लिए, बट अगर आ गया तो आप देख सकते हो उसको मैंने कैसे शॉट मारा। देख सकते हो ये बहुत इफेक्टिव है। सो गाइस, ये ट्राई करना ना भूलिए। मैं आपको फिर से करके दिखाता हूँ और इसके से एडिट करने के बाद आपको फिर से रिपेयर करना है। रिपेयर करने के बाद आपको ये दो एडिट करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे थोड़े से कोन के यहाँ पे खड़े होना है और थोड़ा सा एंगल लीजिए और जंप करके शॉट मारिए। सॉरी, मैंने मिसअप किया। सो दैट्स ऑल गाइस, और बाकी का अभी आपको बताता हूँ। हाँ, सो गाइस, अभी आपने देखा कि फर्स्ट पिक शॉट जो मैंने आपको बताया था एडिट वाला, ठीक है, ये कोन वाला, इसके कॉर्नर में खड़े होना है, मालूम है आपको। सो अभी दूसरा पिक शॉट ये है कि आपको पहले तो अपना बॉक्स करना है, ठीक है। बॉक्स करने के बाद आपको यहाँ पे ऐसे ऊपर एडिट करना है। अहमद कहाँ पे तू ब्रो? हाँ, यहाँ पे अहमद, ठीक है। अभी आप समझ लो मैंने यहाँ से ऐसे एडिट किया, ठीक है। अब अहमद मेरे को वहाँ पर दिख रहा है तो मैं जंप मार के ऐसे फटाक से रिपेयर करता था। इसको बोलते हैं पीक शॉट्स, जो इसको खुद भी समझ नहीं आ रहा है, लेकिन मैं उसको फटाक से जब मार के एडिट मार रहा हूँ। तो ये फर्स्ट पीक शॉट हुआ। और अभी सेकंड का जो पीक शॉट है वो है, अभी समझ लीजिए, अहमद यहाँ पे आ जा बॉक्स में, इस बॉक्स के अंदर आ जा, इस बॉक्स के अंदर जा, बॉक्स बना, बॉक्स बना, बॉक्स, ठीक है। अभी आपको क्या करना है, इसको रिप्लेस करना है, ठीक है। अगर मैंने अभी इसको रिप्लेस कर दिया, ठीक है, इसको आप एडिट मारो, ठीक है। वो क्या करेगा, आपको शूट करने का ट्राई करेगा। आप उसका एंगल लो, एंगल को जंप करके इसको रिपेयर कर दीजिए। इससे क्या होगा, इसका भी पिक शॉट होगा। एक और वे है, एक और वे है, रुक जाइए, अहमद को आने दीजिए। एक और वे है, अहमद अंदर बॉक्स के अंदर जा। एक और वे है, एक और वे है। अगर आपने ये दोनों एडिट किया तो आपको एडिट करने के बाद ना या तो आप पिक शॉट लो या तो यहाँ पे रैंप बना दो। रैंप बनाने के बाद एडिट करो और उसके बाद उसको हेडशॉट दे दो, सिंपल। सो गाइस, ये हुआ पीक शॉट। नीचे जा, नीचे जाते रहो। गाइस, अगर आपको ऐसी एमिंग चाहिए तो आप ट्राई कर सकते हो मेरी सेंस, और मेरी सेंस आप ये देख सकते हो।
क्योंकि देखो सबका अपना अपना सेंस होता है, लेकिन आप ट्राई कर सकते हो क्योंकि ये सेंस एक्चुअली में बहुत ओपी है मेरे लिए। एडिटिंग के हिसाब से बहुत अच्छा है, एमिंग के हिसाब से बहुत अच्छा है, तो आप ये सेंस कॉपी कर लीजिए पॉज करके। सो गाइस एक बोनस टिप, सब टिप्स हो चुके हैं मैंने आपको जितने भी बताए थे, और वो अगर आपने यूज़ किया तो आप सच में बहुत इम्प्रूव करोगे। सो गाइस अभी आपके लिए एक बोनस टिप है, वो बोनस टिप ये है कि आपको पहले तो आप सेटिंग्स पे जाइए। आपको सबको ये मालूम होगा कि अभी एडिट ऑन रिलीज करके ये एक ऑप्शन आया था, वो आप यूज़ कीजिए क्योंकि वो बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। आपको प्रैक्टिस क्या करनी है, यहाँ पर वॉल बनाई है, ठीक है, एडिट कीजिए, रिपेयर कीजिए, फिर से एडिट कीजिए, फिर से रिपेयर कीजिए, ये आप करते जाइए क्योंकि ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। आप एक बार सीख जाओगे ना तो ये क्या होगा ना कि आप बहुत अच्छा एडिट करने लगोगे साइडली, ये जो साइड एडिट है ना ये बहुत अच्छे से आप एडिट करने लगोगे, तो ये आप सीख जाइए। और गाइस चलो गाइस अभी अपन एंड करते, स्टे ट्यून और सब्सक्राइब करना ना भूलिए, और अगर आपको ऐसे और टिप्स चाहिए तो कमेंट तो गाइस सब्सक्राइब करना ना भूलिए, और इसका जो चैनल है उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, उसको सब्सक्राइब करना ना भूलिए। और लेट्स एम 20 लाइक्स ऑन दिस वीडियो, और अगर ये आ गया तो मैं पार्ट 2 ज़रूर बनाऊँगा और इससे अच्छे टिप्स रहेंगे और ज़्यादा यूज़फुल रहेंगे। सो गाइस स्टे ट्यून, बाय बाय।